चेहरों की मुस्कान के पीछे एक विश्वास है, इन आंखों की चमक के पीछे एक भरोसा है। विश्वास ये कि मोदी हमारे साथ है, भरोसा ये कि मोदी का साथ है तो बनने वाली हर बात है। ये नए भारत की नारी है, शक्ति का रूप, धैर्य की मिसाल, बलिदान की प्रतिमा। एक समृद्ध और सशक्त देश के लिए महिलाओं का संपूर्ण विकास अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण के लिए पिछले 9 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। हर कदम पर महिलाओं के लिए आने वाली बाधाओं को मोदी सरकार दूर करने में प्रयासरत है और दूर किया भी है। उन्हीं प्रयासों का फल है कि आज सुकन्या की सुरक्षा है, मुद्रा की सहायता है, उज्ज्वला का उजाला है, पानी घर घर में आता है, खुले में शौच कल की बात है, हर घर में शौचालय की सौगात है, समस्याओं का समाधान प्रतिदिन है, सच है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे महिलाओं को मिल रहा है, जिससे वो सामाजिक बेड़ियों के बंधन को तोड़कर जीवन में आगे बढ़ रही हैं। बच्चियों, किशोर बालिकाओं, गृहिणियों, माताओं, उम्र के हर पड़ाव पर मोदी सरकार महिलाओं के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। एक समय था जब महिलाओं को लंबी दूरी तय करके घर के लिए पानी की व्यवस्था करनी होती थी, लेकिन अब हर घर नल कनेक्शन जीवन की सबसे अनमोल चीज घर पर ही पहुंचा रहा है। वो भी एक समय था जब घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता था, जिससे सांस और आंखों में कष्ट होता था, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन महिलाओं को निशुल्क बांटे गए हैं, जिसने उनकी जिंदगी आसान कर दी है। पिछले 60 वर्षों में किसने सोचा था कि महिलाओं के लिए शौच कितनी विकट समस्या है। शौच जाए बगैर पूरा दिन गुजर जाता था। शौच जाने के लिए महिलाओं को अंधेरे की प्रतीक्षा करनी होती थी, इससे वो कई बीमारियों का शिकार भी होती थी। PM मोदी का हर घर शौचालय मिशन महिलाओं के जीवन में वरदान बनकर आया है। फिर आया वो निर्णय जो तुष्टीकरण की राजनीति के चेहरे पर तमाचा सिद्ध हुआ। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से PM मोदी ने आजादी दिला दी। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करके उनके लिए शिक्षा के बेहतर दरवाजे और रोजगार के नए अवसर देने वाले भी PM मोदी ही हैं। पेड मैटरनिटी लीव की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई, जिससे कामकाजी महिलाओं का जीवन आसान हुआ। मोदी सरकार की कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो महिलाओं को जीवन के हर स्तर पर सहायता प्रदान कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने भारत में पुरुष महिला लिंगानुपात को बेहतर किया है। अब हर 1000 पुरुषों के मुकाबले 1020 महिलाएं हैं। मिशन पोषण से बच्चियों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, माताओं और वृद्ध महिलाओं के लिए पोषण की व्यवस्था हो रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की सहायता से मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। यानी जन्म देते समय महिलाओं की मृत्यु की जो दर 2011 से 2013 में 167 थी, वो अब घटकर 97 हो गई है। स्वच्छ विद्यालय के जरिए हर स्कूल में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। लाखों लड़कियों और महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना से बच्चियों का भविष्य संवर रहा है। मोदी सरकार मानती है कि महिलाओं में जबरदस्त नेतृत्व की क्षमता है और वो अपने दम पर न केवल पूरे परिवार का बल्कि देश का भविष्य संवारने की ताकत रखती है। आवश्यकता है तो महिलाओं को वो अवसर प्रदान करने की। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा लोन का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को पहुंच रहा है। मुद्रा योजना की सहायता से महिलाएं माइक्रो लेवल एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी पहचान बनाकर भारत की विकास की यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। PM आवास योजना की मदद से करीब 69% महिलाएं खुद या संयुक्त रूप से अपने घरों की मालकिन हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि सुरक्षा बलों में अब महिलाओं को स्थायी कमीशन किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विजन की ही बदौलत आज भारत की नारी तमाम बंधनों से स्वतंत्र होकर विश्व में भारत का परचम बुलंदी से लहरा रही है। तभी तो कहते हैं कि ये न्यू इंडिया की नारी शक्ति है।